प्रश्नकाल के बाद शोकाभिव्यक्ति हुई है। विधानसभा में पहला प्रश्न संदीप शर्मा का स्थगित हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इसे लेकर कहा कि परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा गंभीर है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बोले, परिवहन विभाग ही क्यों, मेरे विभाग में भी कार्रवाई हुई है, ये सरकार भ्रष्टाचारियों को छोड़ेगी नहीं। सवाल पूछते समय विधायक अनिता भदेल को करंट भी लगा। सुमित गोदारा ने पीबीएम अस्पताल का मुद्दा उठाया। धर्मनारायण जोशी ने जनजातीय विकास व उत्थान से संबंधित मामला उठाया। विधायक गोपी चंद मीणा ने पर्ची के माध्यम से मुद्दा उठाया था। क्षेत्र की सारी स्वीकृति रुकी हुई है। विधानसभा में मंत्री प्रताप सिंह खाचरावास, शांति धारीवाल, डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मिले, रमेश मीणा भी साथ रहे। गिरधारी लाल ने किसानों की जमीन कुर करने के मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। गोगुंदा एमएलए प्रताप गमेती का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। आईटीआई भवन निर्माण में देरी को लेकर, शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर सवाल था। विभिन्न याचिकाओं का यहाँ पर उपस्थापन हुआ। तो विधायक अमृतलाल मीना, संदीप शर्मा, गिरधारी लाल की याचिका भी रही। कृषि उपज मंडी संशोधन बिल 2020 विचारार्थ रखा गया है। इधर प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल ने भी बिल रखा। राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पर चर्चा हुई। राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी गई। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ये रिपोर्ट रखी। तो इस तरह से अब तक ये कार्रवाई विधानसभा में चली। तो सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरुआत हुई इस कार्रवाई की। और चलिए सीधे विधानसभा का रुख करते हैं। सहयोगी नरेश शर्मा वहां पर मौजूद है। नरेश, आज की कार्रवाई को लेकर विस्तार से जानना चाहेंगे, क्या कुछ अहम आज की कार्रवाई में देखने को मिला? देखिए श्वेता, आज की जो कार्रवाई है, अभी जो बात करें हम, तो अब जो राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक है उस पर सदन में चर्चा चल रही है। इस पर पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य अपनी बात रख रहे हैं। कृषि विभाग से जुड़ा यह संशोधन विधेयक है जो किसानों से जुड़ा हुआ है, कृषि उपज मंडी से जुड़ा हुआ है, तो किसानों की समस्या है वो विभिन्न जो विधायक है वो इसमें अपनी चर्चा के माध्यम से बात रख रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम प्रश्नकाल और सुनने की बात करें तो देखिए, जो प्रश्नकाल था वो हंगामेदार रहा। किसानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कृषि मंत्री लालचंद कटारिया को घेरने की कोशिश की और उसके बाद शून्यकाल में पर्ची के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, स्थगन के माध्यम से विभिन्न सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े मामले हैं वो सदन में उठाए। लेकिन ये कह सकते ओवरऑल अगर बात करें तो आज पूरी तरह से सदन जो है अब तक वो किसानों को लेके चर्चा में रहा है, किसानों को लेके विवाद हुआ है, किसानों को लेके ही कई जो प्रश्न है वो आज लगे हैं और किसानों को लेके कृषि उपज मंडी जो संशोधन विधेयक है उसको लेके सदन में चर्चा चल रही है। कृषि कल्याण कोष को लेके राजेंद्र राठौड़ जो हैं विपक्ष के जो उपनेता हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सिर्फ झुंझुना पकड़ाया गया है, इसके अलावा किसानों के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। जबकि दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनका कहना है कि राजस्थान सरकार ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, चाहे ऋण माफी का फैसला हो या कृषि उपज मंडी है उसमें किसानों के लिए जो कई सुविधा विकसित करने का फैसला किया हो। तो तमाम जो ये कह सकते हैं कि आज ये चर्चा चलेगी, शाम तक चर्चा चलेगी, उसके बाद कृषि मंत्री लालचंद कटारिया है वो इस पर जवाब भी देंगे, बात भी रखेंगे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि आज जो सदन में जो यहाँ तक बात करें तो कई हमें नोकझोंक देखने को मिली। जैसे प्रश्नकाल की मैंने बात की कि जो किसानों से जुड़ा, जो किसान बीमा जो से जुड़ा जो सवाल था उसको लेकर हंगामा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बहिर्गमन भी किया और उसके बाद जिस तरह से स्पीकर और विधायक जो किरण माहेश्वरी उनके बीच नोकझोंक हुई, क्योंकि किरण माहेश्वरी का आरोप था कि अध्यक्ष ने उनको सवाल नहीं पूछने दिया गया जबकि वो सदन में ही मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने बाहर आकर मीडिया से भी अपनी पीड़ा है वो जाहिर की है। तो सदन का जो प्रश्नकाल है मुख्य रूप से इन मुद्दों पर रहा। हालांकि और भी जो कई सवाल थे वो यहाँ पे लगे थे और उसके बाद शून्यकाल में भी विभिन्न क्षेत्र के जो विधायक हैं, जैसे आपने कहा कि सुमित गोदारा ने बीकानेर के अस्पताल का मामला उठाया, उसी तरह से किसानों की जो कृषि भूमि है उसको कुर्की करने का मामला भी सदन में उठा। हालांकि सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि किसानों के हित नहीं होने दिया जाएगा और किसानों के हित में ही सरकार फैसला करेगी। ऋण माफ़ी का जो मामला है वो भी आज फिर से उठाया गया। तो इस तरह से कह सकते हैं आज मुख्य रूप से जो फोकस था वो किसानों के ऊपर फोकस था। उसके अलावा जो विधानसभा क्षेत्रवार जो अलग अलग सदस्यों की समस्याएं थी, उनके क्षेत्र की जो समस्या थी, उनको विभिन्न माध्यम से शून्यकाल में उठाया गया है
और अब सदन में जो चर्चा चल रही है वो संशोधन विधेयक को लेकर चर्चा चल रही है, तो यहाँ भी जो फोकस है वो किसानों पे है पूरी तरह से, क्योंकि विपक्ष है वो घेरने की, सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति बना चुका है कि किस तरह से चर्चा के माध्यम से सरकार पे आरोप लगाया जाए। बीजेपी और आरएलपी ने वॉकआउट भी किया था, वो किस बात को लेकर, किस मुद्दे को लेकर नाराजगी थी? जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे कहा कि कृषि विभाग से जुड़ा जो सवाल था शुरुआत में प्रश्नकाल में, जो कि फसल बीमा से जुड़ा सवाल था, जिसपे कृषि मंत्री के जवाब से विपक्ष है वो संतुष्ट नजर नहीं आया। तो जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बहिर्गमन किया था तो उनके साथ ही आरएलपी के जो विधायक है उन्होंने उनका साथ दिया और इस मामले पर बहिर्गमन किया था। हालांकि फिर वो सदन में आ गए थे क्योंकि किसानों के जो फसल बीमा है उससे जुड़ा अहम सवाल था। हालांकि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने सरकार की तरफ से पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया था और ये कहा भी था कि सरकार क्या क्या जो है वो किसानों के हित के लिए फैसले कर रही है, किस तरह से कि जो फसल बीमा को लेके जो सरकार की तरफ से जो अंशदान जाना चाहिए था राज्य सरकार की तरफ से वो कब तक चला जाएगा, कितने किसान लाभान्वित होंगे, ये तमाम जो जवाब उन्होंने दिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं वो इससे संतुष्ट नजर नहीं थे इसलिए उन्होंने बहिर्गमन किया। देखिए ये विरोध करने का एक तरीका है बहिर्गमन करने का, कि जब भी इस तरह के संतुष्ट नहीं होते हैं विपक्ष तो वो सदन से बाहर आ जाते हैं कुछ क्षणों के लिए, उसके बाद फिर सदन की कार्रवाई में शामिल हो जाते हैं। तो ये उसी दौरान से जो आरएलपी के जो विधायक थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को उन्होंने साथ देते हुए सदन से बहिर्गमन किया था। तो आज का जो अभी तक की जो पूरी ओवरऑल बात करें हम तो यही था, कुछ हंगामे की स्थिति बनी, नोकझोंक की स्थिति बनी, और इसके अलावा जो जिस तरह से पूरी चर्चा आपने भी अभी बताया श्वेता कि किस तरह से आज नजरें इस बात पे भी थी कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से उनकी सदन में किस तरह से किन किन से मुलाकात होती है वो देखिए। जब शून्यकाल चल रहा था तो वो जो संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल उनके पास भी आके बैठे थे, हालांकि जिस सीट पे वो बैठे थे वो सीट सचिन पायलट को आवंटित हुई हुई है और सचिन पायलट उस दौरान अपनी सीट पे न होके पीछे की सीट पे बैठे थे रमेश मीणा के साथ में। तो ये सब भी सदन में आज चर्चा का विषय था। चलिए उसके बाद बिल्कुल नरेश, क्योंकि अब विधानसभा की कार्यवाही अभी भी जारी, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।